हर सोमवार को कांग्रेस कोटे के मंत्री प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई करते हैं और जनता की शिकायतें सुनते हैं। जनता की शिकायतों पर ज्यादातर मामलों में मंत्री शिकायतकर्ता के सामने ही समाधान करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे विभागों की शिकायतें दूसरे विभाग के सहयोगी मंत्री के पास भेज दी जाती हैं। इस सोमवार भी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की, साथ ही 4 दर्जन से अधिक फरियादियों की शिकायतें भी सुनी। 51 आवेदन में हमने देखा है कि मोर और लेस अगर देखा जाए 10 ऐसे लोग जो हमारे पास यहाँ पर आए थे लौटकर दोबारा या दूसरे मंत्री के पास गए थे, वो जमीन से विवादित संबंध था। उदाहरण स्वरूप आपका कहना चाहेंगे कि वे एक आवास एक लोग को मिला था, वो आवास बना दिया, आवास बनाने के बाद लिंटर तक ढलाई हो गया, फिर उसके बगल वाले जो हैं उनके ऊपर एक केस ठोक दिया, 144 जारी हो गया, 144 जैसे ख़त्म हुआ तो दोबारा वो घर बनाने लगा, तो 145 ना क्या होता वो फिर लगा दिया। तो इस तरह का कुछ लिटिगेशन है। तो आज जनसुनवाई में कहा जा सकता है कि 2 चीज़ का फ़ायदा हम लोग का होता है। एक जनता का जो से बीच के से जो बातें छन कर आती हैं वो हम लोग कैबिनेट में रखते हैं, कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है कि एक के बाद एक सरकार के पैसा हम उस पर लगाते हैं और दूसरे लोग उस पर ही करता है और कोर्ट की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हम नहीं दे पाते हैं। कुछ मामला हेल्थ का भी आया था, कुछ शिक्षा विभाग का भी आया था, कुछ सड़क पानी का भी आया था। तो हमने संबंधित विभाग के लोगों से बात भी किया है और जो थोड़ा बहुत लगता है कि पॉलिसी मैटर है उनके लिए माननीय मंत्री को भी लिखने के काम हमने किया है। जनसुनवाई जो हम लोग कर रहे हैं इससे 100% हम संतुष्ट इसलिए हैं कि हमको भी गांव और शहर और नगर में जो आम जनता की क्या कठिनाई है उस चीज़ को भी हमें अवगत होता है और हम कैबिनेट में भी इस बात को रखने की काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे रहते हैं और उसको सॉर्ट आउट और निराकरण करने की हम काम करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।